वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज जो SBTE बिहार का जो न्यूज है उसके बारे में जो हम लोग बात करेंगे, इसका जो सोर्स सबसे पहले मैं बता दूं, ये नयन क्लासेस और पॉलिटेक्निक प्लस इंजीनियर अमजद सर के द्वारा आया हुआ है। तो मैं अपने यूट्यूब यू आर सिविल इंजीनियर के चैनल के माध्यम से नयन क्लासेस के सर और पॉलिटेक्निक प्लस के इंजीनियर अमजद सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो छात्र हित के लिए, छात्र के भलाई के लिए स्टूडेंट्स का सेशन लेट नहीं हो, उनका सही टाइम पे सेशन पूरा हो जाए, उसको लेके जो ये सर लोग काम कर रहे हैं बहुत ही काबिले तारीफ है। स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ना इजी बात नहीं होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ना इजी बात नहीं होता। लेकिन मैं तीन का नाम लेना चाहूंगा, पॉलिटेक्निक छात्र संघ पटना का भी नाम लूंगा मैं, ठीक है। उन्होंने भी आगे बढ़ के स्टूडेंट्स के भलाई के लिए, स्टूडेंट्स के हित के लिए बहुत ही आगे बढ़कर सभी स्टूडेंट्स का साथ देते हुए शुरू से ही उन्होंने साथ दिया है और आज भी साथ देते हुए आ रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर मैं इस माध्यम से बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूंगा इन तीनों को, अपने चैनल के माध्यम से, अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से, थैंक यू। आगे जो हम लोग बात करेंगे, क्या PIL का नाम सुनकर SBTE टेंशन में आ गई है? दूसरा बात, सभी स्टूडेंट्स चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, फर्स्ट सेम हो, कैरी किसी को लगा हो, बैकलॉग हो, फाइनल ईयर के बच्चे हो या एली के बच्चे हो, सभी स्टूडेंट्स प्रमोद को मांग को लेकर अभी भी टाइम है। आप लोग यूनिटी बनाए रखे, क्योंकि सेशन सही में बहुत लेट होते जा रहा है, ये आप लोगों को ही आगे परेशान करेगा। दूसरा बात, अब करेंगे बस अपनी हक की बात, जो हमारा हक है उसको लेके हम लोग बात करेंगे। क्या है हमारा हक की बात? जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 जुलाई को AICTE का गाइडलाइंस आया था और 16 जुलाई को UGC का गाइडलाइंस आया था। 12 को हमारा आया था AICTE का और 16 को आया था UGC का। AICTE के गाइडलाइंस में ये मेंशन था, आप लोग जब देखे होंगे, हम पहले वीडियो भी बनाए थे, कि AICTE के गाइडलाइंस में ये मेंशन कर दिया गया था कि आप लोग UGC के जो गाइडलाइंस होंगे उसको फॉलो कीजिएगा। और UGC का जो गाइडलाइंस आया उसमें कहा गया कि जितने भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए इंटरनल सेमेस्टर के एग्जाम के माध्यम से और पहले वाले एग्जाम को लेकर। और इसी को देखते हुए, जैसे कि देखे होंगे, हरियाणा, झारखंड, यूपी, बहुत सारे जगह से प्रमोट कर दिया गया, लेकिन बिहार, SBTE बिहार ने अभी तक इसको लेके पहल नहीं की है। और उसके बाद सभी जो हमारे पॉलिटेक्निक छात्र संघ हैं, नयन क्लासेस हैं, इन लोगों ने मिलकर जो छात्र हित के लिए काम किया है, जो मैंने पहले भी बोला एक काबिले तारीफ है स्टूडेंट्स के लिए आगे आना, तो उसका जब हम लोग PIL का मांग को आगे लेके बढ़े ये लोग, तो मेरे ख्याल से सही में SBTE टेंशन में आ चुकी है। वो आपको आज के जो कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे तो उससे भी पता चल रहा होगा कि सही में SBTE टेंशन में तो आई है, ठीक है। तो मैं जो इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा बात करने नहीं आया हूँ, बस मैं ये एक ही मुद्दा मेरा है बस, कि आप लोग यूनिटी बनाए रखें। आप लोग अगर यूनिटी नहीं बनाए रखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। PIL तो दायर होगा, जैसा कि नयन क्लासेस के सर ने भी बोला और पॉलिटेक्निक छात्र संघ के संगठन के अध्यक्ष ने भी बोला था कि PIL तो दायर होगा, और उसको लेके नयन क्लासेस के टीम और पॉलिटेक्निक छात्र संघ के जितने भी मेंबर हैं वो सब इसको लेके आगे बढ़ भी चुके हैं, और आई थिंक जल्द ही PIL भी दायर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, जब भी इस सभी चीजों को बात लेकर आते हैं तो आप लोग साथ दें, ठीक है। दूसरा बात, देखो पढ़ाई तो आपको करना ही है, चाहे वो आज करो या कल करो, मेरा तो एक ही मोटिव है, चाहे वो पढ़ाई तुम आज करो या कल करो, पढ़ाई तो तुम ही को करना है, ठीक है, ये बात को श्योरली हो जा। और दूसरा बात, पढ़ाई एग्जाम के लिए नहीं, अपने लिए करो।
जिस दिन तुम अपने लिए पढ़ाई करना शुरू कर दिए ना, तुम आगे जरूर बढ़ोगे। ठीक है, तो एक बात, हम जब भी किसी भी चीजों को लेकर आते हैं तो मेरा एक ही मोटिव रहता है, ठीक है, हम बच्चे को कभी भी जब हम पढ़ाते भी हैं बच्चे को, तब उसको ये नहीं कहते हैं कि तुम सिलेबस को ही लेके पूरा चलो। मैं बस यही कहता हूँ, तुम अपने लिए पढ़ाई करो। जिस दिन बच्चा अपने लिए पढ़ने लगा ना, वो जरूर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई अपना आपको करना ही है। ठीक है, वो 365 दिन ही करना है, 365 दिन का 365 दिन आपको करना है। ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि सेशन बहुत ही आगे जा रहा है, लेट होते जा रहा है। आप सिंपली समझो कि अक्टूबर से नवंबर अगर घुस गया तो आप समझ जाओ कि आप तब तक में, जैसे कि फोर्थ सेम के बच्चे होंगे तो वो फोर्थ सेम ही पास करेंगे, जबकि पहले दिसंबर में उनका एग्जाम फिफ्थ सेम का होता था। तो आगे ये सब आपको ही दिक्कत देगा, फिफ्थ सेम और सिक्स सेम ही आपको दिक्कत देगा। आपको अगर आगे जाके मान के चलो अगर एग्जाम होता है भविष्य में, अगर दिसंबर नवंबर में एग्जाम खत्म होता है, फिर बोलेगा आप मार्च में एग्जाम दीजिए, आप तैयारी नहीं कर पाओगे सही से। और फिफ्थ सेम और सिक्स सेम का भी मार्क्स का वैल्यू रहता है, ठीक है, आप एक ही सेमेस्टर को लेके नहीं सोचोगे ना। तो आपको अभी प्रमोद को लेकर यूनिटी बनाए रखना पड़ेगा, और ये एक से नहीं सभी स्टूडेंट्स को मिलकर आगे आना पड़ेगा, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, मैं हर बात को बोलता हूँ। तो आई थिंक मेरा इस वीडियो का मेन मोटिव था कि आप सभी एक साथ आगे आए प्रमोद को मांग को लेकर, साथ दे पॉलिटेक्निक छात्र संघ पटना के टीम को, मेंबर जितने भी हैं, साथ दे आप नयन क्लासेस को, और साथ दे इंजीनियर अमजद सर का भी, जो कि कुछ अच्छे काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के हित के लिए। थैंक यू, मिलेंगे हम लोग आगे कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।